मध्य प्रदेश में अब रक्षाबंधन के पर्व पर गैर हिंदू महिलाओं को दिए जाने वाले 250 रुपए को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो इस त्योहार को मनाते हैं उन्हें ही पैसा मिलना चाहिए। उनकी माने तो जो इस त्योहार का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े उदार व्यक्ति हैं, वो बहनों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन योजना की समीक्षा होनी चाहिए। रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए। तो रघुनंदन शर्मा को आपने सुना, वैसे वो भी बड़े समझदार माने जाते हैं, पर पता नहीं क्यों ये बयान उनकी तरफ से आया है। रक्षाबंधन के 250 रुपए देने पर आपत्ति दर्ज कराई है उन्होंने। बहुत सोच समझकर बोलने वाले नेता हैं, पर कभी कभी बयान ऐसे निकल जाते हैं, ये भी बड़े समझ से परे हैं। खैर, तो रघुनंदन शर्मा को आपने सुना, योजना की समीक्षा वो चाहते हैं। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बयान दिया रघुनंदन शर्मा ने, वैसे तो हमने देखा है बड़े सोच समझकर ही वो बयान देते हैं, कभी कभी सरकार को रास्ता दिखाने वाले बयान देते हैं, अब ये इस तरह का बयान आया है, शैलेंद्र क्या मायने? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो अक्सर अपनी सरकार को ही घेरने का काम करते हैं और कई बार वो इस तरह की बातें अपने बयानों में कह जाते हैं जिससे सरकार थोड़ी सी अनकम्फर्ट भी हो जाती है, सरकार में बैठे जो नेता हैं वो अनकम्फर्ट हो जाते हैं। हालांकि ये बयान जो आया है इससे भी बीजेपी का कोई भी नेता इत्तेफाक नहीं रख रहा है। कुछ बीजेपी के नेताओं से हमारी जो बात हुई है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जब भी कोई योजना बनाती है तो वह जाति और धर्म को देखकर नहीं बनाई जाती है, बल्कि वो योजना सर्वस्पर्शी होती है और सर्व समाज के लिए, क्योंकि बीजेपी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। ऐसे शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप भी लगातार बने रहिएगा। अभिनव बरौलिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनव जी का एक रिएक्शन हम चाहेंगे। अभिनव जी, रघुनंदन शर्मा का बयान, वो कह रहे हैं कि जो 250 रुपए दिए जाने रक्षाबंधन के, वो ऐसे लोगों को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं जो इस त्योहार को नहीं मनाते। जी, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ललित जी बोल रहे हैं ना? जी 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 ललित जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो बहुत विकृत है, बहुत छोटी सोच के लोग हैं जी। हमेशा इनके पार्टी के अंदर भी रघुनंदन शर्मा जी का विवाद चल ही रहा है, वो सबको नसीहत देते हैं, फिर वो बाहर भी देते हैं। एक मतलब इन लोग की सोच जो होती है कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलते रहते हैं इनके विचार जी। ये सभी को साथ लेने की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम ऐसा करेंगे, ये कहीं पर भी नजर नहीं आता। किसी का विकास नहीं चाहते हैं, ये खुद का विकास चाहते हैं, खुद के जो इवन A2 हैं उनका विकास चाहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई सोच नहीं है। जनता कैसी भी परेशान रहे, कुछ भी होता रहे जनता के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घोषणाएं करके कि महीने एक मतलब सावन के महीने में 250 रुपए बढ़ा देंगे या सिलेंडर हम इसी महीने देंगे, घोषणाएं करते हैं। पिछले महीने पिछले साल भी हमने इसी समय फोनो करा था जब इन्होंने इसमें 250 रुपए बढ़ाए थे और सिलेंडर भी उस समय 450 का किया था, लेकिन प्रॉपर कोई घोषणा नहीं करते कि हाँ आपको प्रॉपर ये 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, हर हर वर्ग को मिलेगा, सबको मिलेगा, ये सोच नहीं है। हालांकि उसमें भी जिस सिलेंडर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें भी बाद में TNC अप्लाई हो गया है। खैर, मैं अभिनव जी आपके पास आऊंगा। और शैलेंद्र, ये बात सही है कि बीजेपी के लिए वाकई असहज स्थिति है, और शायद यही वजह है शैलेंद्र की, कोई जवाब बीजेपी की तरफ से आ नहीं रहा है। शैलेंद्र
बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से जो बयान दिया है कि देखिए भले ही उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं को के त्योहार नहीं मनाते हैं और जो रक्षाबंधन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पैसा क्यों दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर उनका जो मंतव्य है आबादी को लेकर, हम भी बहुत समझदार समझते थे रघुनंदन जी को। खैर,